नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया नाउ 24। इस समय रायबी जनपद के तहसील प्रांगण लालगंज पहुंच चुके हैं, जहां पर उप जिलाधिकारी विजय कुमार एवं क्षेत्राधिकारी अंजनी कुमार चतुर्वेदी के नेतृत्व में तहसील समाधान दिवस का आयोजन चल रहा है। वहीं फरियादियों का तांता भी लगा हुआ क्षेत्र में जमीन संबंधित को लेकर के विवादों को लेकर के काफी पीड़ित लोग यहां पर उपस्थित है। आप देख सकते हैं विस्तार से तहसील समाधान दिवस का आयोजन चल रहा है। वहीं ऐसे ही कुछ मामले प्रकाश में आए हैं कि नायब तहसीलदार द्वारा पूर्व में विचाराधीन मामले को लेकर के पूर्व में पीड़ित को जानकारी भी नहीं दी गई है, परंतु जमीन को उन्होंने क्या कहा, आइए हम बात करते हैं। यही मामला प्रकाश में आया है कोतवाली लालगंज में, सेमरपाहा का ऐसा ही मामला प्रकाश में आया, जो कि पुलिस ने खड़े होकर के पीड़ित के सहन पर दीवार खड़ी कराने का ऐसा ही मामला प्रकाश में आ रहा। आइए हम उन पीड़ितों से बात करते हैं। इसके इंडिया नाउ 24 की लेटेस्ट खबरों के साथ बने रहिए। तहसील एसके कुशवाहा, तहसील संवाददाता रायबरेली। क्या नाम है आपका? गणेश। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सेमरपाहा। क्या समस्या है जो तहसील प्रांगण में आप खड़े हुए हैं? साहब, हमारी समस्या यह है कि मेरे सहन के सामने जबरदस्ती रोड उस पार से आके कब्जा करवा रही, पुलिस जो है कुछ बोली नहीं रही, पुलिस खुद बनवा रही है, बन गया वहाँ देखिए मकान। कहाँ की पुलिस? ये लालगंज थाने की। आपने तहरीर इस संबंध में दिए थे कोतवाली में? तहरीर हम कम से कम 10 दे चुके हैं। अब इस समय आप कहाँ खड़े हुए हैं? अब इतने समय तहसील में खड़े हुए हैं। यहाँ क्या करने आए आप? यहाँ एप्लीकेशन SDM को देने आए। एप्लीकेशन आपने दिया है? जी। साहब क्या कहें? SDM के साहब लिख के दिया भी था कि काम न रुकवा दिया जाए, मगर उसका भी मान्य नहीं हुआ, वहाँ पे दीवार खड़ी कर दी गई। ये दीवार का निर्माण कौन कर रहे थे? कालिका मौर रहे साहब। क्या हुआ और क्या हुआ? बस साहब उसके बाद में कल जो है थे नहीं, हम मारपीट बहुत मारा, उसके बाद में हमारे लड़के को बंद करवा दिया और बंद करवा के वहाँ दीवार उठवा लिया। किसके साथ मारपीट हुई? हमारे भाई थे, हमारे लड़का। किसके साथ मारपीट हुई? मारपीट तो ये बिटिया लोग चाहती है, देखो ये सब थे। कौन कौन मारने में थे बता? और को मारे इस संबंध में कोतवाली पुलिस को आपने अवगत कराया था? जी, एक बार नहीं 10 अवगत कराया। पुलिस से सहयोग आपको नहीं मिल पाया? नहीं साहब। तहसील समाधान दिवस में आए हैं? जी। साहब ने क्या आश्वासन दिया? साहब ने कहा कि देखो जाके अभी हम भेजते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाली है? क्या समस्या है आपको? हमारी कि हमारा आदेश 2006 में हुआ था और 18/10/2006 में हुआ था और मुकदमा हमारा चल रहा था और 2000 फरवरी में हमारा जो है उसमें आदेश स्थगन आदेश चढ़वा दिया गया बिना हमारी जानकारी के। ये मामला विचाराधीन कहाँ था? तहसील में था कि क्या कार्रवाई हुई अब तक? कुछ नहीं, तब से कह रहे हैं हम कर देंगे। समस्या अब क्या है? आप इस समय कहाँ पर खड़ी हैं? डीएम तहसील में। तहरीर आपने दिया साहब को? जी। साहब ने क्या आश्वासन दिया आप? साहब ने कहा कि अभी हम देखकर बताते हैं। किस संबंध में आपने तहरीर दिया SDM साहब को? जो हमारे इंतखाब पर स्थगन आदेश चढ़ा दिए गए इसके लिए बिना तारीख के। किसने चढ़ाया था? नायब साहब सरेनी और शुक्ला जी ने। वो हमारी फाइल गायब किए रखे थे, हम मांग रहे थे तो उन्होंने कहा फाइल में कुछ नहीं हुआ, हमारे तो साहब गए, उसकी रिकॉर्डिंग हमारे मोबाइल में है, हमने कर दिया था बिना डेट के। बीच में ही इसका कोई डेट हुई ना, कोई कोर्ट बैठती थी वहाँ जी, और हमको पता चला वहाँ थाने से जब हम अपना मकान खेत पर बना रहे थे तो वहाँ जब पुलिस गई तो हमको तब यहाँ आए तो पता चला कि मतलब इसमें स्थगन आदेश चढ़ गया और मुबारक तुर्की खतौनी 25 दिन से लॉक है जी। और हमने खतौनी 9/8/2021 की निकलवाई थी, उसके बाद से लॉक है।
तो ये तहरीर आपने किसके खिलाफ दी है? दिनियाद साहब और शुक्ला जी के। नायब तहसीलदार के खिलाफ आपने तहरीर शरीर के खिलाफ दिया है ना जी। साहब को साहब के आश्वासन दिए, कार्रवाई के लिए क्या कहे, भरोसा दिया कुछ? अभी एसडीएम साहब को हमने दिया है कागज जी, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोई भरोसा दिए है साहब? कहा है कि अभी हम इसको देखकर बताते हैं। ये जमीनी मामला है जी, जमीनी मामला है। प्योर वीडियो बनाओ बस, और कुछ नहीं करना, बस शांत रहो। कितने आदमी उधर से हैं, इधर का जने हैं, कितने आदमी मारने के लिए सबका बनवाओ, सबका बनाओ, जितने जने हैं उतने जने को बोलो ना, मारने के लिए सब मारे आए हैं हमको, सबका बनाओ। हाँ बुला ली, हम कौन काल का 10-20 आदमी तुम्हें ही बुला के लई हो। बोलो, हम तमाचा बाद शांत रहो, बिल्कुल गलती ना, तुम ना बोलो। लाठी जब तक नहीं है, जब तक तुम इधर आ रहे हैं भाई, अबे हम गए थाने भाई, तुम थाने जाओ, स्कूटी लाऊंगा। नहीं नहीं तो थाने जाओ, सुनो
यही दिखाओ, जाओ जाओ यही दिखाओ, लेके जाओ रुको, ये मोबाइल लेते हैं, देखो आ रही ना 100 नंबर, उनसे बात करो पहले, लो दिखा दियो कितने यार।